तो फाइनली भाई डीजे अजय टांडा के पास हम पहुंच चुके हैं और 14 अप्रैल की उनकी तैयारी चल रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं डीजे अजय टांडा का एक अच्छा सा सेटअप जो कि न्यू लुक में लेके आए हैं 14 अप्रैल के दिन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डीजे अजय टांडा का सेटअप मेरे पीछे खड़ा हुआ है। तो अभी इनकी टेस्टिंग चालू होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनकी टेस्टिंग काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है और इनका जो सेटिंग करने आए हैं वो है डी के डीजे बलिया। नाम तो सुना ही होगा आपने। तो ये बड़ा जनरेटर भी लगाए हैं, काफ़ी बेहतरीन बजाने वाले हैं अबकी बार टांडा में। तो चलिए इनकी पहले सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं वीट। अरे देवर जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सच में क्या डीजे अजय टांडा वाले आए हैं? हाँ भाभी जी, सच में डीजे अजय टांडा वाले आए हैं। अगर आपके भैया गुस्सा ना करें तो मैं भी चलूं क्या आपके साथ? क्योंकि मेरा भी बहुत मन है डीजे अजय टांडा वाले को देखने का। भैया गुस्सा नहीं करेंगे, आप चलिए मेरे साथ। बस मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई, आप यही रुको। और थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि मेरे पास फोन आया था, ऑपरेटर विवेक भाई अपनी टेस्टिंग प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। देर किए तो सारा मजा निकल जाएगा। स्पीकर चेक। देवर जी वाह, आज मुझको पता लगा कि इनको बेश का मिनट में तैयार होकर आई, आप यही रुको। और थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि मेरे पास फोन आया था, ऑपरेटर विवेक भाई अपनी टेस्टिंग प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। देर किए तो सारा मजा निकल जाएगा। स्पीकर चेक।
देश का बादशाह क्यों कहते हैं। बहुत ही खतरनाक बेस था, साथ ही साथ उनकी लाइटिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। डीजे अजय टांडा वाले की लाइटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, और चारों तरफ चकाचौंध रोशनी देखकर दिल खुश हो गया। वाह देवर जी वाह। ये तो अभी शुरुआत थी। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन जिनके विचारों ने इतिहास का सांचा बदल दिया। 14 अप्रैल के बाबा साहब की 134वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को क्वालिटी किंग डीजे अजय टांडा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मुझे वो धर्म पसंद है जो समानता, बंधुता और स्वतंत्रता